Hello beta, welcome to physics class. In my last video, I have discussed with you unit vectors. I have discussed with you unit vectors. तो बेटा last video को अगर आपको देखना है, अगर मेरे last video lecture को देखना है, तो आपको मेरा channel YouTube पे subscribe करना है और आप last video of unit vector को easily वहाँ पर watch कर सकते हो और easily आप वहाँ पर उसको देख सकते हो. तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने यूनिट वेक्टर्स को डिफाइन किया था, हमने यूनिट वेक्टर्स का फार्मूला भी फाइंड आउट किया था. तो बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में जो हमने यूनिट वेक्टर्स का फार्मूला फाइंड आउट किया था, वो फार्मूला क्या आया था बेटा? यूनिट वेक्टर इट इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर कंप्लीट वेक्टर का एक यूनिट पार्ट होगा. यूनिट वेक्टर कंप्लीट वेक्टर का यूनिट पार्ट होगा. तो हम क्या लिखेंगे? यूनिट वेक्टर इज यूनिट पार्ट ऑफ कंप्लीट वेक्टर. बेटा यूनिट पार्ट का मीनिंग है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा. इट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इक्वल टू 1. 1 मींस यूनिट. 1 मींस यूनिट. तो अब ये क्लियर हो गया था हमें कि हम अगर किसी वेक्टर को यूनिट यूनिट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो जो यूनिट पार्ट्स होंगे वो उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर्स होंगे. वो उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर्स होंगे और यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन वही कैरी करेगा जो डायरेक्शन वेक्टर की होगी, जो डायरेक्शन वेक्टर की होगी. तो अगर हमारे पास वेक्टर ए है तो बेटा इसका जो यूनिट वेक्टर होगा उसका सिंबल क्या होगा? हमें ए अल्फाबेट के ऊपर कैप लगानी है. सो दिस इज सिंबल ऑफ यूनिट वेक्टर. नाउ दिस इज सिंबल ऑफ यूनिट वेक्टर. नाउ दिस इज यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए. नाउ दिस इज यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए. तो अब हम वेक्टर को कैसे लिखेंगे? वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में उसकी डायरेक्शन, साथ में उसकी डायरेक्शन. और डायरेक्शन का फार्मूला क्या निकलेगा? डायरेक्शन किसके इक्विवेलेंट है? डायरेक्शन इज इक्विवेलेंट टू यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये प्रॉपर डायरेक्शन कैरी करता है. तो अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो वो मैटर नहीं करेगा. इसके पास स्पेशल फीचर क्या है? इसके पास स्पेशल फीचर ये है कि इसके पास वेक्टर वाली ही डायरेक्शन होती है. तो इसके पास वेक्टर वाली ही डायरेक्शन होती है. सो दैट इट कैन बी यूजफुल इन असाइनिंग वेक्टर, इन असाइनिंग डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर. तो ये जो यूनिट वेक्टर होता है इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और इसका स्पेशल फीचर ये होता है इसके पास वेक्टर की ही डायरेक्शन होती है. तो इसको हम कहां यूज कर सकते हैं? किसी वेक्टर की डायरेक्शन को दिखाने में इसको यूज कर सकते हैं. तो यूनिट वेक्टर को हम किसी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने में यूज कर सकते हैं. रीजन क्या है? इसका अपना मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1. तो ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा. तो किसी भी वेक्टर की अगर हमें डायरेक्शन दिखानी है तो हम उसके मैग्नीट्यूड के साथ में उसका यूनिट वेक्टर लगाएंगे. हम उसके मैग्नीट्यूड के साथ में उसका यूनिट वेक्टर लगाएंगे. तो यूनिट वेक्टर किसके इक्वल आ रहा है? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. सो दिस फार्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यूनिट वेक्टर किसके इक्वल आएगा? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. तो बेटा अब हमारे पास यूनिट वेक्टर का फार्मूला आ चुका है. तो साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने अलग अलग डायरेक्शंस में यूनिट वेक्टर्स को एक स्पेशल नोटेशन दी है. साइंटिस्ट ने अलग अलग डायरेक्शंस में यूनिट वेक्टर्स को एक स्पेशल नोटेशन दे रखी है. वो नोटेशन क्या है वो हम चेक करते हैं. अब चेक करके बताओ, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है. तो अगर आपको यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग लेना है तो आप यहां पर इसका सिंबल क्या लोगे? आई के. अगर आपको यूनिट वेक्टर लेना है प्लस वाई एक्सिस के अलोंग तो यहां सिंबल क्या लोगे? जे के. अगर आपको यूनिट वेक्टर लेना है प्लस जेड एक्सिस के अलोंग तो आप यहां क्या लोगे? प्लस के के. इसका मीनिंग अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, साइंटिस्ट हैव गिवन
आई कैप एज एन यूनिट वेक्टर। तो साइंटिस्ट ने ईस्ट डायरेक्शन के लिए हमें जो यूनिट वेक्टर दिया है उसका सिंबल क्या है, आई कैप है। साइंटिस्ट ने नॉर्थ डायरेक्शन के लिए हमें जो यूनिट वेक्टर दिया है वो क्या है, जे कैप है। हमें वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन के लिए साइंटिस्ट ने कौन सा यूनिट वेक्टर दिया है, दैट इज के कैप। तो साइंटिस्ट ने वर्टिकली अप डायरेक्शन के लिए हमें कौन सा यूनिट वेक्टर दिया है, दैट इज के कैप। तो के कैप इज वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो अब ये डिसाइड हो गया कि अगर हम ईस्ट में जाएंगे तो हमें डायरेक्शन किससे लेनी है, आई कैप से लेनी है। अगर हम नॉर्थ में जाएंगे डायरेक्शन किससे लेनी है, जे कैप से लेनी है। अगर हम वर्टिकली अपवर्ड जाएंगे डायरेक्शन हमें किससे लेनी है, के कैप से लेनी है। अब अगर आप 5 मीटर कहां जा रहे हो, अलोंग ईस्ट, तो अगर आपके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है तो आपका ये जो डाटा है ये वेक्टर क्वांटिटी में कंसीडर होगा। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी में कंसीडर होगा तो अब हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5। अब ईस्ट के लिए साइंटिस्ट ने हमें यूनिट वेक्टर कौन सा दिया, दैट इज आई कैप। तो हम क्या लगाएंगे साथ में, आई कैप, और साथ में क्या लगाएंगे, यूनिट मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5 आई कैप यूनिट मीटर। सो 5 आई कैप मीटर। अब कंप्लीट आपका वेक्टर डाटा बन चुका है। तो आप चेक कर सकते हो कि अगर हमें किसी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन शो करनी है तो उसके लिए हम उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर शो करेंगे। तो यूनिट वेक्टर हमने शो कर दिया कि 5 मैग्नीट्यूड है और आई कैप क्या है, इस वेक्टर की डायरेक्शन है, किसके अलोंग है वेक्टर, आपका ईस्ट के अलोंग है। सो इट इज 5 आई कैप मीटर। अब अगर आप नॉर्थ के अलोंग 10 मीटर गए हो तो यहां आपका अगर डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है तो 10 के साथ में क्या आएगा, जे कैप आ जाएगा। इसी टाइप से अगर आप वर्टिकली अपवर्ड गए हो 20 मीटर, तो वर्टिकली अपवर्ड में क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर है और ऊपर गए हो, सो इट इज 20 के कैप मीटर। इसी टाइप से अगर आप अलोंग एक्स एक्सिस, अगर आप अलोंग प्लस एक्स एक्सिस वेलोसिटी कैरी कर रहे हो 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट, तो इसको आप यूनिट वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखोगे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी को हमने कैसे लिखा, 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड। तो हमें आई कैप क्या आइडिया देगा कि वेलोसिटी किसके अलोंग है, वेलोसिटी ईस्ट डायरेक्शन के अलोंग है। तो अब वेक्टर्स ने सबसे बेटर हमें बेनिफिट क्या दिया कि वेक्टर की हेल्प से जो आपके डेरिवेशंस हैं, जो आपके एक्सप्रेशंस हैं, वो सारे के सारे आपके कॉम्पैक्ट हो चुके हैं, वो आपके साइज में काफी कॉम्पैक्ट हो चुके हैं, क्योंकि हमने इस पूरे सेंटेंस को रिमूव किया, किससे रिमूव किया, 5 आई कैप मीटर से। इसका मीनिंग, इस पूरे सेंटेंस को हमने यूनिट वेक्टर की हेल्प से कॉम्पैक्ट कर दिया और इसका साइज हमने स्मॉल कर दिया। तो अब हमें सेंटेंस नहीं लिखे, हम सिंपली क्या लिखेंगे, 5 आई कैप मीटर। तो वेक्टर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि फिजिक्स के अंदर जो बड़े बड़े डेरिवेशंस होते हैं, जो बड़े बड़े एक्सप्रेशंस होते हैं, उनमें अगर आप वेक्टर्स को यूज करोगे तो एक्सप्रेशंस का साइज कम हो जाएगा और डेरिवेशंस का साइज कम हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर हो जाएगी। तो हमें वेक्टर्स में वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का और वेक्टर क्वांटिटीज का जनरल मीनिंग क्लियर होगा, हमें मालूम चलेगा कि वेलोसिटी के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, मैग्नीट्यूड भी आता है, डायरेक्शन भी आती है, डायरेक्शन को हम कैसे लिखेंगे। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन आपको वेक्टर्स में मिलेगा, ये सारा एक्सप्लेनेशन आपको वेक्टर्स में मिलेगा। तो हमने अब यूनिट वेक्टर्स को आई कैप, जे कैप और के कैप के थ्रू असाइन कर दिया है। हमने यूनिट वेक्टर्स को अब आई कैप, जे कैप और के कैप के थ्रू मेंशन कर दिया है। तो अब आई कैप किसके लिए बना है, प्लस एक्स एक्सिस के लिए, और माइनस आई कैप किसके लिए बना है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए। तो अगर हम वेस्ट में जाएंगे तो, अगर हम जाएंगे ईस्ट में तो आई कैप, और अगर हम जाएंगे वेस्ट में तो माइनस आई कैप, अगर हम जाएंगे साउथ में तो माइनस जे कैप, अगर हम जाएंगे नॉर्थ में तो प्लस जे कैप, अगर हम जाएंगे वर्टिकल अपवर्ड तो प्लस के कैप, अगर हम आएंगे नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड तो माइनस के कैप। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका ग्राउंड पे, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका ग्राउंड पे किस वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से, तो अगर आपको वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे,
10 माइनस के कैप मीटर पर सेकेंड। चेक करो मैंने माइनस के कैप क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी कैसी है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड के लिए हमारे पास क्या है, दैट इज माइनस के कैप, दैट इज माइनस के कैप। तो बेटा इस टाइप से हम यूनिट वेक्टर्स को एक पर्टिकुलर नोटेशन से असाइन करेंगे, एक पर्टिकुलर नोटेशन से उनको मेंशन करेंगे फिजिक्स के अंदर। और नोटेशन क्या है, आई कैप फॉर प्लस एक्स एक्सिस, जे कैप फॉर प्लस वाई एक्सिस एंड के कैप फॉर प्लस जेड एक्सिस। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से हमने यूनिट वेक्टर्स को अलग अलग सिंबल दे दिए हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो अब नेक्स्ट हमारा जो टाइप है, नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो टाइप क्या है बेटा, नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा वेक्टर का वो है पोजीशन वेक्टर। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे पोजीशन वेक्टर को। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, पोजीशन वेक्टर, दैट इज पोजीशन वेक्टर। What is the meaning of position vector? तो जैसे आपको नेम से आइडिया मिल रहा है कि position vector का मीनिंग वो vector जो किसी object की position हमें बताएगा, that vector is known as position vector. That vector is known as position vector. अब बेटा assume कर लो कि एक two dimensional frame आपके पास है, एक two dimensional frame आपके पास है जिसके अंदर दो axes हैं, x axis एंड y axis, और एक पार्टिकल आपका टू डायमेंशनल फ्रेम में ए पॉइंट पे लोकेट कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट आपका टू डायमेंशनल फ्रेम में कहां लोकेट कर रहा है, कहां प्रेजेंट है, वो ए पॉइंट पे प्रेजेंट है। तो अगर हमें ऑब्जेक्ट, अगर हमें पार्टिकल टू डायमेंशनल फ्रेम में ए पॉइंट पे मिल रहा है, तो अगर हमें इसकी लोकेशन, हमें इसकी पोजिशन ऑरिजन से निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी लोकेशन को, हम इसकी प्रेजेंस को किससे ज्वाइन कर देंगे, हम इसकी प्रेजेंस को ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा ओरिजिन है, तो ओरिजिन से हम इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन को, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ओरिजिन से हम ज्वाइन कर देंगे। सो दैट लाइन इज नोन एज पोजीशन वेक्टर, दैट लाइन इज नोन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। This line is known as position vector of this object. तो बेटा ये जो line बनेगी, ये line आपकी OA vector आपका क्या होगा? It is position vector of object. इसका meaning जो OA vector है वो मैंने किसके इक्वल लिया है, r वेक्टर के इक्वल लिया है, और r वेक्टर क्या चीज है, इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट इन टू डायमेंशनल फ्रेम। तो बेटा अब ये बिल्कुल माइंड में फिक्स कर लो कि पोजीशन वेक्टर को डिफाइन कैसे करोगे, अ लाइन विच कैन ज्वाइन लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ओरिजिन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज पोजिशन वेक्टर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। वो लाइन जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजिशन को, किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को ऑरिजिन से ज्वाइन करेगी, दैट लाइन इज नोन एज पोजिशन वेक्टर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो वो लाइन जो किसी ऑब्जेक्ट की जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसको ओरिजिन से कनेक्ट करेगी, दैट लाइन इज नोन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो अब चेक करना ध्यान से कि यहां जो आपका ऑब्जेक्ट था ये ए पॉइंट पे लोकेट कर रहा था, हमने क्या किया, हमने इसकी लोकेशन को ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, तो दैट लाइन इज नोन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, दैट लाइन इज नोन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट क्वांटिटी। तो ये जो लाइन आएगी फ्रॉम ओरिजिन टू लोकेशन इज नोन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो अब चेक कर लो कि अगर इस ए पॉइंट पे
आपकी वेलोसिटी है, इस ए पॉइंट पे आपका एक्सेलरेशन है, इस ए पॉइंट पे अगर आपका फोर्स है, तो ये लाइन क्या होगी? ये लाइन होगी पोजीशन वेक्टर ऑफ वेलोसिटी, या हम इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्सेलरेशन, या हम इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर का मीनिंग क्या है, वो लाइन जो किसी किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को ओरिजिन से ज्वाइन करेगी इन एनी फ्रेम। ये फ्रेम कोई भी हो सकता है, टू डायमेंशनल भी हो सकता है और थ्री डायमेंशनल भी हो सकता है। सो किसी भी फ्रेम में अगर कोई लाइन किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को ओरिजिन से ज्वाइन करेगी, सो दैट लाइन इज नोन एज पोजिशन वेक्टर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और पोजिशन वेक्टर ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो डेफिनेशन आप अपने आप भी लिख सकते हो, द लाइन विच कैन ज्वाइन लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एंड ओरिजिन ऑफ फ्रेम इन विच ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इज नोन एज पोजिशन वेक्टर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट पोजिशन वेक्टर ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो वो लाइन जो किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को ओरिजिन से ज्वाइन करेगी, दैट लाइन इज नोन एज पोजिशन वेक्टर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो अब चेक करते हैं बेटा, यहां जो लाइन लोकेशन और ओरिजिन को आपस में कनेक्ट कर रही है, ये लाइन आपकी कितना मैग्नीट्यूड कैरी कर रही है, हमें अब इस लाइन का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अगर मैंने इस लाइन को वेक्टर फॉर्म में लिखा है, और वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा है, दैट इज आर वेक्टर, तो मैं क्या लिखूंगा, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। अब चेक करके बताओ, ये जो वेक्टर है ये आपका किसके बीच में है, इट इज इन बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आप चेक कर सकते हो ये वेक्टर किसके बीच में है, इट इज इन बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो आप चेक करो, ये वेक्टर आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में आ रहा है। तो ये वेक्टर अपनी शेडो किसके ऊपर डालेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर भी डालेगा और वाई एक्सिस के ऊपर भी डालेगा। चेक कर सकते हो आप, ये वेक्टर अगर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता तो इसकी सारी की सारी शेडो किसके ऊपर आती, एक्स एक्सिस के ऊपर आती। अब अगर ये बिल्कुल वर्टिकल होता तो ये अपनी कंप्लीट शेडो किसके ऊपर डालता, वाई एक्सिस पे डाल देता। तो अगर ये वेक्टर आपका बिल्कुल ऐसे वर्टिकल होता तो ये बिल्कुल वाई एक्सिस के पैरेलल आ जाता, तो ये अपना कंप्लीट इफेक्ट किसके ऊपर डाल देता, वाई एक्सिस के ऊपर डाल देता। अब अगर ये होता हॉरिजॉन्टल तो इसका सारा का सारा जो इफेक्ट था किसके ऊपर आता, एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाता। लेकिन अब ये किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में। तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि ए पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट भी बनेगा और ए पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट भी बनेगा। चेक कर सकते हो आप कि ए पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट भी बनेगा और ए पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट भी बनेगा। इसका मीनिंग ए पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स एक्सिस वाला एक्स होगा और वाई एक्सिस वाला वाई हो जाएगा। इसका मीनिंग ये जो वेक्टर है किससे मिलकर बना है, ये वेक्टर आपका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट से मिलकर बना है। तो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर अगर आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो आपको डिस्प्लेसमेंट दो जगह से उठाना है, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। तो अगर ये जो आपका वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है तो आपको यहां पर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट को दो एक्सिस से उठाना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो अब ये क्लियर कर लो माइंड में बेटा, ये जो लाइन है ये लाइन बिटवीन एक्स एंड वाई है। तो ये लाइन आपकी एक्स का कंपोनेंट भी कैरी करेगी और वाई का कंपोनेंट भी कैरी करेगी। इसका मीनिंग इस लाइन के ऊपर एक्स एक्सिस का इफेक्ट भी आएगा और इस लाइन के ऊपर वाई एक्सिस का इफेक्ट भी आएगा। क्योंकि अगर कोई बच्चा इस टाइप से एक्स वाई प्लेन में इस टाइप से भागेगा, तो अब चेक करके बताओ कि इस बच्चे का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट आपका किस किस एक्सिस के अलोंग इंक्रीज होगा, वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी इंक्रीज होगा और वो वाई एक्सिस के अलोंग भी इंक्रीज होगा। इसका मीनिंग ये बच्चा किसके बीच में भाग रहा है, ये बच्चा एक्स और वाई एक्सिस के बीच में भाग रहा है। तो इसका मीनिंग ये जो आपका वेक्टर है, वेक्टर आर है, ये वेक्टर आर बेटा किससे मिलके बना है, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। इसका मीनिंग जो वेक्टर आर है उसके अंदर दो डायरेक्शन आएंगी। अब ये वेक्टर आर
किस किस की डायरेक्शन कैरी कर रहा है ये वेक्टर आर, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन भी कैरी करेगा और वाई एक्सिस की डायरेक्शन भी कैरी करेगा, क्योंकि ये जो वेक्टर आर है इस वेक्टर आर से एक्स एक्सिस के ऊपर भी इंक्रीज आ रहा है और वाई एक्सिस के ऊपर भी इंक्रीज आ रहा है। चेक कर सकते हो, जब ये लाइन आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट भी इंक्रीज होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी इंक्रीज होगा। इसका मीनिंग इस वेक्टर के अंदर एक्स की डायरेक्शन भी आएगी और वाई की डायरेक्शन भी आएगी। तो अब बेटा इस वेक्टर को कैसे लिखोगे, दिस आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब आप चेक कर सकते हो कि ये जो आपका पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर किससे मिलके बना है, दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट और ये उसकी डायरेक्शन, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट और ये उसकी डायरेक्शन। तो ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट और ये आपका वाई कोऑर्डिनेट। इसका मीनिंग अगर मेरे पास कोई पार्टिकल P पॉइंट पे और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 3 मीटर और 5 मीटर, इसका मीनिंग जो आपका डिस्टेंस है वो x एक्सिस पे कितना है 3 मीटर है और जो आपका डिस्टेंस है वो y एक्सिस पे कितना है दैट इज 5 मीटर। तो बेटा अगर ये आपका पोजीशन वेक्टर r है तो आप बताओ कि r पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखोगे आप, दैट इज 3i कैप प्लस 5j कैप। ये 3 मीटर x कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड है, ये 3 मीटर क्या है आपका, ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस का मैग्नीट्यूड है, ये 5 मीटर क्या है डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस का मैग्नीट्यूड है। तो ये मैग्नीट्यूड किसके अलोंग आ गया, x एक्सिस का अलोंग आ गया, साथ में इसकी डायरेक्शन आ गई i कैप आ गई। तो बेटा ये डायरेक्शन क्या है i कैप है और ये डायरेक्शन क्या है j कैप है। तो चेक करके बताओ, अलोंग y एक्सिस आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है 5j कैप और अलोंग एक्स एक्सिस आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है 3i कैप। नाउ जो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, जो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दैट इज 3i कैप प्लस 5j कैप। इसका मीनिंग आप इन दोनों डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड करोगे फिर आपको नेट वेक्टर मिलेगा, दैट इज आर वेक्टर। तो ये जो आर वेक्टर है इसका जो इफेक्ट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर भी आ रहा है और वाई के ऊपर भी आ रहा है। तो आप चेक करो, जो आर वेक्टर है इसके दो इफेक्ट होंगे, दैट इज 3i कैप प्लस 5j कैप। अब इन दोनों इफेक्ट को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको नेट वेक्टर मिलेगा, दैट इज वेक्टर आर। तो अब आपको आइडिया लग चुका है कि अगर हम 2 डायमेंशनल फ्रेम में पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ करेंगे तो पोजीशन वेक्टर का जो इफेक्ट आएगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर भी आएगा और वाई के ऊपर भी आएगा। अगर इन दोनों इफेक्ट को आप ऐड कर लोगे, अगर आप इन दोनों इफेक्ट को ऐड कर लोगे तो आपको नेट वेक्टर मिलेगा आर। तो अब ये क्लियर हो गया कि आर किसके इक्वल आएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इसी टाइप से अगर ये पोजीशन वेक्टर आपका 3D में होगा, अगर ये पोजीशन वेक्टर आपका 3D में होगा तो 3D में अगर हमारा P पॉइंट है तो यहाँ पर बेटा 3 कोऑर्डिनेट होंगे x, y, z और यहाँ जो वेक्टर R आएगा वो किसके इक्वल आएगा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। इसका मीनिंग अगर आप 3D में भागोगे, अगर आप 3 डायमेंशनल फ्रेम में भागोगे, अगर कोई मॉस्किटो क्यूबिकल रूम के अंदर, अगर कोई मॉस्किटो क्यूबिकल रूम के अंदर किसी पॉइंट पे प्रेजेंट है, किसी लोकेशन पे प्रेजेंट है, तो इसका मीनिंग उस मॉस्किटो का जो पोजीशन वेक्टर आप निकालोगे वो कैसे निकालोगे, मॉस्किटो की लोकेशन को पहले चेक करोगे, फिर उसकी लोकेशन को क्यूबिकल रूम के किसी कॉर्नर से कनेक्ट करोगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई मॉस्किटो किसी क्यूबिकल रूम के अंदर है तो आप सबसे पहले मॉस्किटो की लोकेशन चेक करोगे, लोकेशन कहां पर है, फिर उस पॉइंट को, लोकेशन वाले पॉइंट को किससे करोगे कनेक्ट, टू एनी कॉर्नर ऑफ क्यूबिकल रूम। तो ये ध्यान रखना कि अगर किसी क्यूबिकल रूम के अंदर कोई मॉस्किटो है, हमारे पास ये क्यूबिकल रूम है, इसके अंदर यहाँ मॉस्किटो है, तो अगर यहाँ मॉस्किटो है तो ये आपका कॉर्नर है क्यूबिकल रूम का। तो अगर आपने इसको ओरिजिन ले लिया है तो आप मॉस्किटो की लोकेशन को ओरिजिन से करोगे कनेक्ट और ये जो लाइन आएगी, ये लाइन आएगी पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस मॉस्किटो। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमें सिर्फ क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट की लोकेशन देखनी है, फिर उस एग्जैक्ट लोकेशन को ओरिजिन से कनेक्ट करना है, ओरिजिन से ज्वाइन कराना है और ज्वाइनिंग के बाद जो लाइन आप ड्रॉ करोगे वो लाइन क्या होगी, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो आप चेक कर सकते हो, आप ये 3D में आ गया, ये आपका 2D में आ गया। इसका मीनिंग अगर कोई भी वेक्टर
टू डायमेंशनल फ्रेम में ड्रॉ होगा तो वो वेक्टर आपका किसका कॉम्बिनेशन होगा, वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस प्लस वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। इसका मीनिंग टू डायमेंशनल फ्रेम में वेक्टर किसके इक्वल होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो बेटा आप ये चेक करके बताओ कि अगर हमें इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो हमें अगर इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस लाइन की लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। चेक करो ध्यान से, अगर हमें ओ ए, ये हमारा ओ पॉइंट, ये हमारा ए पॉइंट, हमें अगर ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो हमें इस एरो की लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, हमें इस एरो की लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। लेंथ किसके इक्वल आएगी, मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगी। तो हमें अगर वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो हमें इस पोजीशन वेक्टर की लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। लेंथ का मीनिंग द सेपरेशन बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो हमें ये लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हमें ओ ए वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमें ये एरो की लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल सी राइट एंगल ट्रायंगल विजिबल है, चेक कर लो। ये अगर हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो अगर हम ट्रायंगल ऐसे बनाएंगे तो ये एक्स, ये y और ये क्या बेटा, ये r है। तो अब चेक करके बताओ, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या आंसर आएगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, यही आंसर आएगा, r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ कैसे करते हैं, लोकेशन को ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं, फिर पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अगर पोजीशन वेक्टर आपका टू डायमेंशनल फ्रेम में है तो हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। और पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो आपने एरो यहां ड्रॉ की है फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम टेल टू हेड, तो इस एरो की जो लेंथ आएगी वो इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगी। अब ये लेंथ कैसे निकलेगी, हमें ओ ए निकालना है, तो ओ ए निकालना है तो क्या लिखेंगे, ओ ए स्क्वेयर इक्वल टू, ये पॉइंट अगर आपका बी है तो ओ बी स्क्वेयर नाउ प्लस ए बी स्क्वेयर। अब चेक करो ओ बी स्क्वेयर क्या आपका, दैट इज एक्स स्क्वेयर, और ए बी स्क्वेयर क्या है, ये आपका वाई स्क्वेयर, और ओ ए स्क्वेयर क्या है, ये आपका आर स्क्वेयर। तो इस टाइप से आप पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब ये क्लियर हो गया कि अगर पोजीशन वेक्टर आपका 2D में ड्रॉ होगा तो 2D में वो किसके इक्वल आएगा, एक्स आई के प्लस वाई जे के। तो बेटा एक सिंपल सा न्यूमेरिकल करते हैं, अब एक सिंपल सा न्यूमेरिकल करेंगे तो अब आपको ये तो क्लियर हो चुका है कि वेक्टर, पोजीशन वेक्टर को 2D में कैसे लिखोगे, एक्स आई के प्लस वाई जे के, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। इसका मीनिंग वेक्टर किसके इक्वल होगा, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड और साथ में उसका यूनिट वेक्टर। अब चेक कर सकते हो मैंने क्या लिखा, वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड और साथ में उसका यूनिट वेक्टर। अब चेक करो हमने क्या लिखा है, वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड और साथ में उसका यूनिट वेक्टर, वेक्टर। तो बेटा हमने वेक्टर को कैसे लिखा है, वेक्टर अलोंग विद यूनिट वेक्टर, हमने वेक्टर को कैसे लिखा है, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड अलोंग विद इट्स यूनिट वेक्टर, अलोंग विद इट्स यूनिट वेक्टर। तो अब चेक करते हैं बेटा कि यहां पर आप यूनिट वेक्टर ऑफ पोजिशन वेक्टर कैसे निकालोगे, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। चेक कर सकते हो कि हमने क्या किया, हमने पहले पोजीशन वेक्टर को टू डायमेंशनल फ्रेम में लिखा, एक्स आई के प्लस वाई जे के, फिर हमने इसका क्या निकाल लिया, मैग्नीट्यूड निकाल लिया। तो अब हम इस पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर।
तो अब ये तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये इसकी डायरेक्शन है। तो वेक्टर कंप्लीट कैसे होगा, जब उसके पास दो पार्ट होंगे, डायरेक्शन होगी और मैग्नीट्यूड होगा। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर, और मैग्नीट्यूड हमारा क्या है, स्मॉल r है। तो आप चेक करो यूनिट वेक्टर किसके इक्वल आएगा, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या था हमारे पास, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आया हमारे पास, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो ये आपका पोजिशन वेक्टर का, ये आपका पोजिशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ चुका है। इट इज यूनिट वेक्टर ऑफ पोजिशन वेक्टर, इट इज यूनिट वेक्टर ऑफ पोजिशन वेक्टर, इट इज यूनिट वेक्टर ऑफ पोजिशन वेक्टर। सो इट इज यूनिट वेक्टर ऑफ पोजिशन वेक्टर। तो अब मैं आपको एक सिंपल सा न्यूमेरिकल दूंगा और न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। और न्यूमेरिकल क्या होगा, न्यूमेरिकल बेटा हमें कोई वेक्टर गिवन होगा टू डायमेंशनल फ्रेम में, हमें कोई वेक्टर गिवन होगा 2D में, तो हमें उसका क्या निकालना, हमें उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो आप चेक करते हैं, मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर a इक्वल टू 3i कैप प्लस 5j कैप, मेरे पास एक वेक्टर है वेक्टर a इक्वल टू 3i कैप प्लस 5j कैप। तो अब चेक करके बताओ कि मेरे पास अगर एक वेक्टर है 3i कैप प्लस 5j कैप, मुझे इसका क्या निकालना है, मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे एक वेक्टर गिवन है और ये वेक्टर बेटा कितने एक्सेस कैरी कर रहा है, ये वेक्टर बेटा आपके दो एक्सेस कैरी कर रहा है, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। तो ये वेक्टर आपको किस फ्रेम में है, इट इज इन टू डायमेंशनल फ्रेम, इट इज इन टू डायमेंशनल फ्रेम। तो आप चेक करके बताना ध्यान से कि अगर ये वेक्टर आपका टू डायमेंशनल फ्रेम में है तो इसके पास दो कोऑर्डिनेट है, 3 along x-axis and 5 along y-axis, 3 along x-axis and 5 along y-axis। तो अगर मुझे इस वेक्टर को, अगर मुझे इस वेक्टर को टू डायमेंशनल फ्रेम में ड्रॉ करना है तो मैं ड्रॉ कैसे करूंगा, इसको मुझे अगर ग्राफिकली दिखाना है तो कैसे इसको मैं शो करूंगा, तो मैं इस वेक्टर को ग्राफिकल वे से शो कर सकता हूं। अब चेक करते हैं कैसे शो करना है, 1 2 3, तो ये 1 2 3, ऐसे आप यहां लोगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो आपका ये लोकेशन आएगी वेक्टर ए की, दैट इज 3, 5। अब आप क्या करोगे, वेक्टर ए का, अब आप वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करोगे, वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर आप ड्रॉ करोगे, ये वेक्टर ए आपका इस टाइप से ड्रॉ होगा, ये वेक्टर ए आपका इस टाइप से ड्रॉ होगा। हमने क्या किया, हमने पहले वेक्टर ए की लोकेशन फाइंड आउट की कि वेक्टर ए कहाँ लोकेट कर रहा है। तो लोकेशन कैसे मिलेगी, आप चेक करो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3, वाई कोऑर्डिनेट क्या है इसका 5, फिर इसके लोकेशन को मैंने ज्वाइन किया ओरिजिन से। अब ये जो लाइन आएगी, दिस लाइन इज नोन एज कंप्लीट वेक्टर ए, दिस इज पोजिशन वेक्टर ए, दैट इज पोजिशन वेक्टर ए। तो ये आपका पोजिशन वेक्टर आ गया वेक्टर ए का। तो अब चेक करते हैं कि ये जो वेक्टर ए आपने ड्रॉ किया है, इसका हमें क्या निकालना है, हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। और आपको मालूम है यूनिट वेक्टर और वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, जिस डायरेक्शन में वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर भी होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर हमेशा क्या होता है, यूनिट वेक्टर हमेशा वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। तो जिस डायरेक्शन में वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर भी आएगा, उसी डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर भी आएगा। आप चेक करो बेटा वेक्टर ए हमें क्या आगे बना, 3i कैप प्लस 5j कैप। और सबसे पहले मुझे बताओ किस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा। मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपके पास है, दैट इज a इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। चेक कर लो आप कि ये जो आपका x एक्सिस है ये क्या है, ये आपका बेस है, और ये जो आपका y एक्सिस है ये क्या आपका परपेंडिकुलर है। तो बेस और परपेंडिकुलर हमें मालूम है, हमें क्या निकालना, हमें सिर्फ हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हमें इस एरो की लेंथ फाइंड आउट करनी है, हमें इस एरो का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें इस एरो की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप चेक करो a किसके इक्वल आएगा, a इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। विदाउट एरो अगर मैं a लिखूंगा तो ये a क्या होगा, ये वेक्टर a का मैग्नीट्यूड होगा। तो बेटा क्या आंसर आ गया मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 एंड 25 स्क्वायर, सॉरी 3 स्क्वायर 9 एंड 5 स्क्वायर 25। तो हमें अब
अंडर रूट 34 यूनिट, हमें अंडर रूट 34 यूनिट क्या मिल चुका है, हमें अंडर रूट 34 यूनिट इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल चुका है, हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल चुका है। तो अब हमें मैग्नीट्यूड मिल चुका है, हमारे पास वेक्टर भी है, हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड भी है, तो हमें क्या निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर। तो अब चेक करके बताओ ए कैप का फॉर्मूला क्या होगा। ए कैप का मीनिंग यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, ए कैप का मीनिंग यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। तो बोलो ए कैप किसके इक्वल होगा, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या था हमारा, 3i कैप + 5j कैप अपॉन अंडर रूट 34। तो ये बेटा आपका वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ चुका है। नाउ इट इज यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, नाउ इट इज यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। आप चेक कर सकते हो, मैंने सबसे पहले क्या किया, वेक्टर को लिखा, फिर मैंने वेक्टर को ड्रॉ किया किसमें, टू डायमेंशनल फ्रेम में, फिर चेक किया बेस क्या बनेगा, परपेंडिकुलर क्या बनेगा, फिर मैंने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, और हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ, इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेक्टर OA। तो OA वेक्टर की जो लेंथ होगी वो OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास आ चुका है अंडर रूट 34। तो अब अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड आ चुका है अंडर रूट 34, तो अब हम फार्मूला लगा सकते हैं किसका, यूनिट वेक्टर का, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो इस टाइप से हम टू डायमेंशनल फ्रेम में अगर हमें कोई भी पोजीशन वेक्टर गिवन होगा तो हम उस पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम 3D में इसी टाइप से यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें 3D में कोई वेक्टर गिवन है, मान लो हमें B वेक्टर गिवन है, दैट इज 3i कैप + 4j कैप + 5k कैप। तो अगर हमें 3D में कोई वेक्टर गिवन है 3i कैप + 4j कैप + 5k कैप, और हमें अगर बी कैप निकालना है, बी कैप का मीनिंग यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी। तो अब बी कैप का क्या फॉर्मूला होगा बेटा, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो अब क्या होगा, वेक्टर ऊपर आएगा कंप्लीट +5k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे 3D में, दैट इज x² + y² + z². तो बी कैप किसके इक्वल आएगा, वेक्टर बी अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, एंड इट इज इक्वल टू 3i कैप + 4j कैप + 5k कैप अपॉन अंडर रूट 9 + 16 + 25। तो ये आपके सामने वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ चुका है, तो बेटा ये हमने निकाला यूनिट वेक्टर किसमें, 3D में, और ये हमने निकाला यूनिट वेक्टर किसमें, 2D में। तो इस टाइप से हम यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें वेक्टर 2D में गिवन है तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूनिट वेक्टर, अगर हमें यूनिट वेक्टर 3D में गिवन है तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूनिट वेक्टर। तो बेटा इस टाइप से अब हम यूनिट वेक्टर्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आपने आज क्या क्या लर्न किया, आपने ये सीखा बेटा कि यूनिट वेक्टर्स के सिंबल क्या क्या हैं, और यूनिट वेक्टर आपके पोजीशन वेक्टर के अंदर कैसे फाइंड आउट होंगे। तो यूनिट वेक्टर्स को अगर हम कहीं पर भी किसी भी वेक्टर से रिलेट करेंगे तो हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम उस वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो ये वेक्टर आपका B वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। इसका मीनिंग अगर हमें B वेक्टर को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, B वेक्टर इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। तो B कैप का मीनिंग क्या है, इट इज डायरेक्शन। तो ये बेटा कभी नहीं भूलना आपको कि B कैप किसके लिए यूज होता है, इट इज हाईली यूजफुल फॉर डायरेक्शन। तो B कैप इज हाईली मेड फॉर डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन के लिए यूज हुआ बेटा। और आपको मालूम है बी कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी कैप का मैग्नीट्यूड आपका 1 होगा। आप चेक कर सकते हो, अगर आपको यहां पर ए कैप का निकालना है मैग्नीट्यूड, तो अगर आपको ए कैप का निकालना है मैग्नीट्यूड तो आप क्या लगाओगे, मॉड्यूलस यूज करोगे। मॉड्यूलस का मीनिंग है दो वर्टिकल लाइनें क्या शो कर रही हैं, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैप।
तो हमें अब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो ये आपके पास फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर का, आप चेक करके बताओ कि नीचे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड है, ऊपर हमारे पास मैग्नीट्यूड नहीं है। तो अगर मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ये कौन सा वेक्टर है बेटा, 3i कैप प्लस 5j कैप, तो मुझे बताओ 3i कैप प्लस 5j कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो इसका बेटा मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ऊपर क्या आएगा बेटा, अंडर रूट 3² + 5² और नीचे क्या अंडर रूट 34। चेक करो, ये टर्म आपकी ऊपर वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी, तो अब हमें a कैप का मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, a कैप का हमें मैग्नीट्यूड 1 ही मिलेगा, हमें a कैप का मैग्नीट्यूड 1 ही मिलेगा। आप चेक कर सकते हो मैंने क्या किया, मैंने मैग्नीट्यूड लिया है किसका, वेक्टर का, ठीक है। वेक्टर क्या था मेरे पास, 3i कैप प्लस 5j कैप, मैंने इसका क्या लिया मैग्नीट्यूड, और नीचे इसका क्या है मैग्नीट्यूड है पहले से ही, तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल, हमें a कैप का मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ऐसे यहां आ जाओ, यहां अगर आपको प्रूव करना है कि अगर b कैप आपका यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या करोगे, ऊपर जो वेक्टर है इसका भी मैग्नीट्यूड आपको लेना पड़ेगा। तो ऊपर क्या आएगा बेटा, ऊपर भी सेम वैल्यू आएगी जो वैल्यू नीचे है आपकी, तो क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप इक्वल टू अंडर रूट 9 + 16 + 25। नीचे भी सेम वैल्यू है 9 + 16 + 25, तो ये कैंसिल। तो अब बताओ बी कैप का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मीनिंग ऑल यूनिट वेक्टर्स इन फिजिक्स विल कैरी 1 एज मैग्नीट्यूड, विल कैरी 1 एज मैग्नीट्यूड। तो जितने भी यूनिट वेक्टर आपके फिजिक्स में आएंगे उन सब का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, उन सब का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। तो बेटा अगला टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर का, दैट इज कोप्लेनर वेक्टर्स, दैट इज कोप्लेनर वेक्टर्स। तो अगला हमारा जो टाइप है वेक्टर्स का वो क्या है, दैट इज कोप्लेनर वेक्टर्स। जब वेक्टर्स आपके एक ही प्लेन में ड्रॉ होंगे, जब वेक्टर्स आपके एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे तो उनका प्लेन कॉमन हो जाएगा, तो वहां पर उन वेक्टर्स को हम किस नेम से बुलाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स। तो अगला हमारा टाइप क्या है, दैट इज कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स। इसका मीनिंग जब वेक्टर्स आपके एक ही प्लेन में ड्रॉ होंगे, एक ही प्लेन का मीनिंग ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस। अब ये बताओ बेटा ये वाला प्लेन कौन सा है, एक्स वाई प्लेन है। आप चेक करके बताओ बेटा ये वाला जो प्लेन है ये प्लेन कौन सा है, ये प्लेन आपका एक्स वाई है। तो इसी टाइप से बताओ ये वाला प्लेन कौन सा है, ये वाला प्लेन कौन सा है, ये आपका वाई जेड प्लेन है। इसी टाइप से बताओ ये वाला प्लेन कौन सा है, ये वाला प्लेन आपका एक्स जेड प्लेन है। आप चेक करके बेटा ध्यान से बताना, जितनी भी आप लाइन यहां ड्रॉ करोगे एक्स वाई प्लेन में, जितने वेक्टर आप यहां ड्रॉ करोगे एक्स वाई प्लेन में, चेक करो मैंने एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर ड्रॉ किया ए, मैंने इसी सेम प्लेन में एक वेक्टर ड्रॉ किया बी, मैंने इसी सेम प्लेन में एक वेक्टर ड्रॉ किया सी। तो चेक करके बताओ मैंने एक्स वाई प्लेन में कितने टाइप्स के वेक्टर्स को ड्रॉ किया, मैंने एक्स वाई प्लेन में 3 टाइप्स के वेक्टर्स को ड्रॉ किया। मैंने ड्रॉ किया वेक्टर ए, मैंने ड्रॉ किया वेक्टर बी, मैंने ड्रॉ किया वेक्टर सी। अब ये तीनों वेक्टर किस प्लेन में है, तीनों वेक्टर आपके एक ही प्लेन में है, तो इन तीनों वेक्टर को हम क्या नेम देंगे, दीज 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर्स, दीज 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर। इसी टाइप से अगर आप वाई जेड प्लेन में वेक्टर्स ऐसे ड्रॉ करते हो, अगर आप वाई जेड प्लेन में वेक्टर ऐसे ड्रॉ करते हो तो डी वेक्टर और ई वेक्टर कैसे होंगे, दीज 2 आर कोप्लेनर वेक्टर्स, दीज 2 आर कोप्लेनर वेक्टर्स। ऐसे अगर आप यहां ड्रॉ करते हो एक्स जेड प्लेन में, दैट इज एफ वेक्टर एंड टी वेक्टर, तो यहां पर एफ और टी वेक्टर आपके दोनों, एफ और टी वेक्टर आपके दोनों कैसे वेक्टर होंगे, दीज 2 आर कोप्लेनर वेक्टर्स, दीज 2 आर कोप्लेनर वेक्टर। इसका मीनिंग यहां वाले वेक्टर और यहां वाले वेक्टर्स का प्लेन सेम नहीं है, लेकिन ये जो तीनों वेक्टर हैं ये सेम प्लेन में हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो वेक्टर आपके वाई जेड प्लेन में है, जो वेक्टर आपके एक्स वाई प्लेन में है, इनका प्लेन सेम नहीं है, लेकिन अगर एक ही प्लेन में आप मल्टीपल वेक्टर ड्रॉ करोगे तो ये वेक्टर आपके सेम प्लेन कैरी करेंगे, तो इन वेक्टर्स का नेम क्या होगा, दीज आर कोप्लेनर वेक्टर्स। तो हम क्या लिखेंगे, वेक्टर ए,
वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स. वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स. सो दीज थ्री आर कोप्लेनर वेक्टर्स. तो इसी टाइप से बताओ वाई जेड प्लेन के हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर कौन कौन से हैं, ई और डी. तो वाई जेड प्लेन में हमारे पास कितने कोप्लेनर वेक्टर है बेटा, हमारे पास दो कोप्लेनर वेक्टर है, वेक्टर ई और वेक्टर डी. इसी टाइप से एक्स जेड प्लेन में हमारे पास कितने कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, दो हैं, दैट इज एफ एंड टी, दैट इज एफ एंड टी. तो ये दोनों यहां कोप्लेनर हैं